कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले दो दिनों के अंदर जो बड़ी चमत्कारी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, दोस्तों सच्चाई सुनकर चौंक जाएंगे आप। सच में यह खुशखबरी आपको रुला देगी। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन का सबसे वीडियो भाग्यशाली वीडियो होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऐसा महत्वपूर्ण समय भगवान सबको नहीं देते और आने वाले अगले दो दिनों का समय साक्षात भगवान शनि देव का समय है, जिन्हें हम कर्म फल दाता भगवान शनि देव के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों भगवान शनि देव सभी के कर्मों को देख करने फल देते हैं और आपके कर्मों का फैसला कर दिया है। भगवान शनि देव के आशीर्वाद से अब आपका जीवन अगले दो दिनों में 0 से लेकर 100 तक का सफर तय करेगी। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो बात हम आपको बताने वाले हैं उन्हें ध्यान से समझिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय शनि देव जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट संकट भगवान संदीप और माता रानी दूर कर देंगे। यह खुशखबरी पूरे परिवार को नाचने पर मजबूर कर देगा। अब ढोल नगाड़ा आप बचाएंगे क्योंकि खुशियां आपकी आंगन में इतनी बड़ी आने वाली है कि पहले ही पूरे गांव मोहल्ले में चर्चा हो जाएंगे। सभी लोग कहेंगे कि वह क्या आपकी किस्मत है, कहां से आपके जैसा किस्मत सबकी होती। जी हां दोस्तों, परंतु हम आप सभी को बता दें कि ज्यादा ढिंढोरा पीटने की गलत ही भूल कर भी मत करना, अन्यथा आप अपने किस्मत में बहुत ही बड़ा कुल्हाड़ी मार लेंगे। हम आप सभी को एक शब्दों में बता दें कि आप यह बात मत बोलिए कि आपका जलने वाले लोग भी आपके अपने में ही है, इसीलिए अपनों के साथ आप इन बातों को बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा जो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें नजरअंदाज करने की गलती भूल कर भी मत करना, वरना आप आने वाले जीवन भर पछताते रह जाओगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा शुभ समय हजारों साल बाद एक बार बनता है और अब आप सभी की कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों, यह आप सभी की जीवन की दिशा को बदलने वाला साबित होगा। और साथ बड़ी खुशखबरी आप सभी को एक साथ मिलने वाली है जिसे आप खुशी से झूलने वाले हैं। आने वाले दो दिनों के भीतर आप सभी का जीवन बिल्कुल ही हीरे से तेज चमकने वाले हैं, बिल्कुल ही आप सभी का किस्मत कोहराम मचाने वाला है। आने वाले दो दिनों के अंदर अब आप कामयाबी के दरवाजे खोलने वाले हैं और भगवान शनि देव साक्षात आपके दर्शन देने वाले हैं। आने वाले दो दिनों के भीतर अब आपकी कर्मों का फल मिलने का समय है। यह साल समय बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपको एक बार फिर से कहते हैं कि वीडियो को आप सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनि देव जरूर लिखिएगा। भगवान शनि देव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, भगवान की दिव्य शक्ति चली है आपकी कुंडली में। अगले 3 दिनों में आपके जीवन में जो महापरिवर्तन होंगे उसके बारे में अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। सच इतना जबरदस्त है कि आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हम आपको जो हकीकत है बताएंगे। आपकी कुंडली आपकी राशि के बारे में ग्रह गोचर के बारे में जो जानकारी देंगे गुप्त हैं और प्रभावशाली हैं। जी हां दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और इन्हें अपने जीवन में भी उतारे। खाली जानकारी लेने से जीवन नहीं बदल जाता। दोस्तों हमें प्राप्त की गई जानकारी का जीवन में उपयोग करके आगे बढ़ना पड़ता है, तभी बदलाव आते हैं। अन्यथा चाहे कितना ही प्रकांड विद्वान हो, आपको चाहे कितनी ही बड़ी सीख दी जाए, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। यह बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो यह दिव्य शक्ति कैसे आपके जीवन में प्रवेश कर रही है और कैसे यह आपको बहुत बड़े बड़े चमत्कारी लाभ देने वाली है और आप किस प्रकार इस दिव्य शक्ति को पहचान सकते हैं और स्वयं अपने प्रयासों से अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकती है, इन सभी बातों को हम आपको विस्तार से समझाइए। एक बात को आपको किराए से बताएंगे, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों
हम पिछले लंबे समय से आपके जीवन पर, आपकी कुंडली पर नजर रखे हुए हैं और हम जानते हैं दोस्तों, आपके अंदर योग्यता कूट कूट कर भरी है। आप एक विचारशील बुद्धिमान इंसान हैं, लेकिन आपके अंदर एक छोटी सी कमी है कि आप अक्सर अपने मन में बहन पाल लेते हैं, सच में रहते हैं और दूसरों की बातों में भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं। इसमें आपकी भावनाएं आपकी शत्रु बन जाती हैं। जी हां दोस्तों, किसी ने आपसे मीठी मीठी बातें की और आप उसकी बातों में बह गए, लेकिन दोस्तों इस तरह आप अपने लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। आपका जो दिल बोलता है आप वही कहिए, आपका मन कहता है कि यह बात अच्छे से मांगकर उपयोग करना चाहिए तो निश्चित तौर पर उपयोग करिए। जो भी जानकारी दोस्तों हम आपको देते हैं वह पूरी तरह से शास्त्र सम्मत होती है, ज्योतिषीय आकलन पर आधारित होती है। बिल्कुल भी आप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे विश्वास के साथ आपको वीडियो देखना है और हर बात को समझने का प्रयास करना है। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। दोस्तों हम देखते हैं कि जिस हिसाब से हमारी ब्लू आते हैं उसी हिसाब से लुक माता की प्रार्थना नहीं करते हैं, निवेदन नहीं करते हैं। हो सकता है कि उन्हें माँ की शक्ति पर ही भरोसा नहीं हो, लेकिन दोस्तों आप ऐसा ना करिए। आप सच्चे हृदय से माँ को याद करिए, कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं, तीन बार लिखिए। हम गारंटी देते हैं कि इतने से ही आपका काम बन जाएगा, आपको फिर किसी और की आवश्यकता नहीं है। जब माँ की शक्ति आपके साथ है तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों से तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर लिटा लिए बिना किसी शक के। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल बढ़ाएंगे और यह बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। किसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा दोस्तों, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिछले कुछ समय से आप परेशान अवश्य चल रहे थे, यानी कि लगभग 2 से 3 महीनों से आप परेशान अवश्य चल रही है, लेकिन अब जो समय आया है, यानी पिछले 3 से 4 दिनों का या 5 दिनों का समय जो आया है, वह आपके जीवन में शुभ संकेत लेकर दोस्तों आपको इसकी आहट पहले ही मिलने लगी है। आप मानसिक तौर पर मजबूत महसूस कर रहे हैं और आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं कामयाब भी हो रही हैं। यहां तक कि आप जो योजनाएं बना रहे हैं उनमें आपके अपने यानी आपके समर्थक, आपके सहयोगी आपका भरपूर समर्थन भी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके परिवार में किसी मंगल कार्य की भी योजना बन रही है जो बहुत जल्दी आपको खुशियां देने वाला है। आप किस तत्व सक्रिय अवश्य रहेंगे, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको लेने के मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। दोस्त और पैसे के लेन देन में आप बहुत सतर्क रहना है, धोखा हो सकता है, आपका पैसा सकता है। प्रेम संबंधों में भी आप मर्यादा का पूरा ख्याल रखें दोस्तों, और गलत फहमी हो को बीच में आने ना दें। दोस्तों जब भी आप किसी तीसरे इंसान की बात को महत्व देंगे, आपका पीनी जीवन चाहे आपका दांपत्य जीवन को पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जय दोस्तों, अगले 3 दिनों में आप कोई सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ सामान खरीदेंगे, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाएंगे जिससे आपका मन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वैसे तो आपके मित्र बहुत ही कम हैं, आपकी ही नहीं लेकिन आपका कोई एक मित्र आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाएगा जिसे सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये दोस्तों आपको बाहर और मशीनरी का प्रयोग अगले 3 दिनों तक थोड़ा सा सावधानी के साथ करना है। दोस्तों रुपए पैसे के लेन देन के साथ साथ वाहन और मशीनरी के प्रयोग में भी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि वहां से भी आपको हानि हो सकती है, शनिदेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपसे बस हमारा यही कहना है कि आप अपने स्वभाव पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, अपने स्वभाव भीमपुर बनाएं, अपनी बातों को प्रेमपूर्ण बनाएं और दूसरों के मतों को भी अहमियत देने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आप जो सही लगता है वही सही हो, सामने वाली जो राय है, मत है, उसका भी आपको सम्मान करना होगा, अन्यथा आप व्यर्थ की बहसबाजी में पड़ेंगे और आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही खराब होंगे। साथ ही साथ आपके रिश्तों में भी खटास आएगी,
इससे आपको पूछना है। अपने स्वभाव में थोड़ी सी आपको सुमिता लानी है, थोड़ा सा अपना स्वभाव सरल बनाना है। और एक और खास बात दोस्तों की, आप छोटी छोटी बातों को अपने दिल से नहीं लगाना है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों में ऐसा होगा कि आपका अपना ही कोई आपसे कुछ ऐसी बात बोलेगा जो आपको चुभ जाएगी और आपको पूरी लगेगी, और आपकी आदत भी यही है। यदि आपको कोई बात चुभ जाएगा तो आपसे अपने दिल में रख लेते हैं। फिर आप 2 तरीके से व्यवहार करते हैं कि या तो आप तुरंत उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, या फिर आप उस इंसान के लिए अपने मन में सीधी भावनाएं हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा, सामने वाले का आपको चोट पहुंचाने का कोई मन नहीं है, वही तो केवल अपनी बात कहकर चला गया। अब आपको भी उस बात को वहीं के वहीं छोड़ देना, अन्यथा आपके रिश्ते खराब, चाहे आपका कार्यस्थल हो चाहे आपका व्यापार स्थल हो, हर जगह आपके प्रतिनिधियों पर आप बहुत भारी पड़ेंगे। आपके कार्य करने के तरीके इतने उत्तम हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि आप अपनी कार्य क्षमता से सबको परास्त कर देंगे, कोई आपके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगले 3 दिनों में भूमि खरीदने का या फिर कहीं विदेश घूमने जाने का एक अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। आप इसे बिल्कुल स्वीकार कर लें, इसमें आपका लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं, बस यहां पर आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। अपने कार्यस्थल पर आपको अपने छुपे हुए विरोधियों से सतर्क रहना है, शत्रुओं से सतर्क रहना है। ये दोस्तों, आप अपने शत्रुओं को पहचानने में गलती कर जाती है, यही आपकी बहुत बड़ी भूल है और इसकी कीमत आपको समय समय पर चुकानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि व्यापार में आपको कोई ऑफर मिल रहा है, जैसे कि कोई आपके व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, आप स्वयं भी अपने व्यापार को बड़ा बनाना चाहते हैं, रुपए पैसे लगाना चाहती हैं, या फिर कोई पार्टनर से वगैरह का ऑफर मिलता है, तो आप उसे बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। आपका बहुत लाभ होगा, आपका व्यापार बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको पैसा कुछ जगहों पर नहीं लगाना है, यानी कि ब्याज पर नहीं देना है, शेयर मार्केट में नहीं लगाना है, जुआ जैसी चीजों से आपको दूर रहना है। क्या दोस्तों, यह आपकी राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है? आपकी राशि के जातकों को पैसा कमाना है तो सही तरीकों से, सात्विक तरीकों से कम आना होगा। नकारात्मक तरीकों से पैसे कमाने की यदि आप कोशिश करेंगे, पहले तो आपका ऐसा ही दूर जाएगा, और यदि आपको थोड़ा बहुत फायदा हो भी गया तो आप उसका आप नहीं ले पाएंगे, वह पैसा आपको बहुत नुकसान करके जाएगा, आपका सुख चैन सब कुछ छीन लेगा। तो आप पैसे कमाने के लिए किसी भी गलत कार्य की ओर ना जाएं। और दोस्तों, हम यहां पर आपको बता दें कि हुआ या प्यास से जो पैसा आता है वह हमारे शास्त्रों में वर्जित है, उसे शाम से कथन कहा गया है, इसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अब एक हाथ की आप किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क रहें, धोखेबाजी की उम्मीद बन रही है, उस पर रही है आपके साथ कांजी कार्यवाही में धोखेबाजी हो, यह तो थोड़ा संभल कर करें। आपका कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला पड़ा है तो वह सकता है और आपके पक्ष में आएगा, इस बात से आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब रोग की बात करें, दोस्तों आपको सबसे बड़ी समस्या आपके पेट से जुड़ी हुई है। यह दोस्तों, आप अपने खान पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी कभी तो आप चीजों को जरूर से ज्यादा खा जाती हैं, और कभी कभी आप बिल्कुल ही खराब चीजों को भोजन के रूप में ले लेते हैं, जिन्हें हम बाहर का खाना कहते हैं, ऐसे भोजन को खा लेते हैं जिससे आपका पेट खराब हो जाता है, और यही समस्या अगले 3 दिनों में आपको पीड़ित करेगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने खान पान पर आप ध्यान दें। पानी अधिक से अधिक आपकी राशि के जातकों के साथ एक समस्या यह भी है कि इनकी शरीर में पानी की अक्सर कमी हो जाती है, क्योंकि यह अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपने कार्यों में या फिर अपने भाग दौड़ भरी जीवन में इतने व्यस्त हो जाती है कि यह पानी पीना भी भूल जाते हैं, खाना खाना भी कभी कभी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। साथ ही साथ दोस्तों, मौसम से भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा बदलते मौसम में आप बीमार हो सकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कमर के निचले हिस्से में और ईद में दर्द की समस्या रह सकती है, हल्का बुखार और तनाव। BCA आपका अच्छा समय है, आपको हर तरफ से लाभ देने वाला है,
फिर भी कार्य की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी रहेगी, शारीरिक थकान रहेगी और आपको बीमार होने का भी एहसास होगा। यह तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें। अब हम आपको बताएंगे कि भगवान की कौन सी जयंती है जो आपके जीवन में आ रही है आपको बड़े लाभ देने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ और खास बातें, यानी शकुन शास्त्र में बताई गई शकुन और अपशकुन के ऊपर विशेष जानकारी आपको देना चाहते। हमें लगता है कि यह जानकारी आपको होना अनिवार्य है। दोस्तों, जब कोई इंसान किसी की पीठ के पीछे बुराई करता है और उस इंसान के बारे में अनाप शनाप बातें बोलता है, तो उसे यह सुनकर बुरा तो लगेगा ही। यदि अपनी बुराई सुन ले कि हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन दोस्तों, शकुन शास्त्र के अनुसार यदि कोई इंसान अपनी बुराई किसी के मुंह से सुन लेता है, या नहीं जोर से बुराई कर रहा है और उसने सुन लिया तो सुन लेता है, तो यह उसके लिए सौभाग्य का प्रतीक है और ऐसा शिव पुराण में भी वर्णन मिलता है। दोस्तों, यदि कोई आपकी बुराई करता है, आपकी पीठ के पीछे, असल में वह आपके पास अपने ऊपर ले रहा है, आपके पाप के बंधन कमजोर हो रहे हैं, अब आपको जल्द से जल्द अपनी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक कहा ना, किसी कार्य के करते समय शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि आप किसी कार्य को करने वाले हैं, जा रहे हैं करने और आपको ही चिका जाती है, यह शकुन शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपका कार्य निश्चित तौर पर बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप किसी विशेष कागज पर कुछ लिख रहे हैं और आपकी फैंसी ज्यादा मात्रा में स्याही निकल जाती है, यही भी एक अच्छा संकेत है, आप वह लिखा हुआ कार्य निश्चित तौर पर सफल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप किसी विशेष कार्य को करने जा रहे हैं, तो अपनी नाक के पास अपना हाथ ले जाएं और नाक से श्वास बाहर निकालें और देखें। यदि आपके दाहिनी तरफ की नाक से श्वास बाहर आ रही है, तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, और यदि सूर्य स्वर चलने किस समय आप किसी कार्य को करते हैं, तो वह कार्य आपका निश्चित तौर पर सफल होगा। दोस्तों, पुरुषों में पूरी स्वर में किया गया कार्य हमेशा सफल होता है, और स्त्रियों में चंद्र स्वर का, यानी कि वाणी और की नाक से यदि श्वास बाहर आ रही है, सब कार्य सफल होगा। ये दोस्तों, इसी प्रकार छिपकली का शरीर पर गिरना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुष के दाहिने अंग पर यदि छिपकली गिर जाती है, तो यह उसके लिए सौभाग्य का प्रतीक होती है। ठीक इसी प्रकार महिला की यदि बाएं अंग पर छिपकली गिर जाती है, तो यह उसके लिए सौभाग्य का प्रतीक होती है। अब समझी कि यदि आप किसी कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और घर से बाहर निकलते ही आपको सफेद रंग की कोई वस्तु दिख जाती है, जैसे कि सफेद रंग की, यह सफेद रंग का कोई वस्तु या फिर कोई सफेद रंग की चीज, जैसे कि दूध दही या कुछ भी सफेद रंग का, यदि आपको दिखता है जैसे ही आप घर से बाहर निकले, दरवाजे से बाहर निकले, पहली नजर में आपके सामने कोई सफेद रंग की वस्तु आ जाती है, तो समझिए कि आपका वह कार्य निश्चित तौर पर सफल होगा। दोस्तों, एक और बात हम आपको बता दें कि जब भी आप अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, जैसे कोई ऑफिस की बड़ी मीटिंग है, कोई डील है, व्यापारिक समझौता है, तो आप ऐसे कार्य में कोशिश करें कि आप अपने शरीर के ऊपरी भाग में, यानी शर्ट हो या कुर्ता हो, आप सफेद रंग का ही पहन कर जाएं। आपकी सफलता के मौके बढ़ जाएंगे। दोस्तों, यह शुक्र का प्रतीक होता है और उस शुक्र आपको बहुत प्रकार से लाभ पहुंचाता है, और सफेद रंग पहनने से शुक्र सक्रिय हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार का रसोई घर में दूध उबल कर नीचे गिर जाता है, तो यह शुभ संकेत है। घर में धन लक्ष्मी आएगी कि किसी प्रकार कपड़े उतारते समय, यह मैसेज रुपए पैसे नीचे गिर जाना एक बहुत बड़ा संकेत है। यह भी बताता है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी धन लक्ष्मी का आगमन होगा, ढेर सारा पैसा आपको कहीं से प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपके घर में कोई पक्षी अपना घोंसला बना लेता है, उसमें अंडे से जीता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है दोस्त, और इससे आपके परिवार पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो सकती है। कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया वगैरह की गई है, तो वह दूर हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में धन लक्ष्मी कैद हो जाएगी। ये बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही अच्छा संकेत है दोस्तों। जी हां दोस्तों, एक न सुनी है, एक बार संत कबीर ने गुरु नानक जी की परीक्षा लेने के लिए अपने एक शिष्य को उनके पास भेजा, साथ ही RS-1 भेजा और उनसे करवाया कि गुरु जी, आप इस एक रुपए में कुछ ऐसी औषधि बनाइए जिससे कि संसार का कोई भी इंसान कभी बीमार ना हो और ठीक भी हो जाएगा।
चाहे वह कोई भी हो, तो यह बहुत ही अजीब बात थी। असल में संत कबीर जी गुरु नानक जी की परीक्षा लेना चाहते थे, तो जब बात गुरु नानक जी तक पहुंची तो उन्होंने बहुत विचार किया। उन्होंने सोचा कि चाहे कितनी ही अच्छी औषधि जड़ी बूटी दी दी, जरूर एक बार ठीक हो गया तो दोबारा तो फिर कभी ना कभी अवश्य आएगा ही। ऐसी कौन सी औषधि हो सकती है भला, जिसको सेवन करने से आजीवन कोई बीमार ही नहीं होगा। तो बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि संत कबीर कोई मामूली इंसान नहीं है, खुद पहुंचे हुए संत हैं। तो जब उन्होंने ऐसी परीक्षा लेने के लिए मन में निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर इसमें कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तुम बहुत विचार करने के बाद गुरु जी ने धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू किया और अपना ध्यान केंद्रित किया। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्हें जो समझ में आया, उसमें उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीजें लेना शुरू की। कुछ जड़ी बूटियां खरीदी, कुछ लकड़ियां खरीदी थीं, थोड़े पैसों का चंदन खरीदा, कुछ पैसे का गूगल खरीदा, कुछ पैसे का देसी कपूर और कुछ अन्य जॉब खाना, और कुछ पैसों का शुद्ध देसी घी और आजा गुड़ खरीदा, और इन सबको मिलाकर एक थैली में भरवा कर उसके हाथों संत कबीर के पास वापस भेज दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, यह आरोग्यता का हवन सामग्री बन गई है गुरुजी। और जब यह शिष्य संत कबीर के पास यह सामग्री लेकर पहुंचा, तू भी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। दोस्तों, इस कहानी में एक रहस्य छुपा है, और वह यह है कि जिस घर में दिव्य हवन होता रहता है, समय समय पर ईश्वर को याद करके पूजा पाठ होता रहता है, भगवान के लिए भीम और सम्मान रहता है, उस घर में कभी कोई इंसान ना तो परेशान हो सकता है और ना ही बीमार हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जो जरा सी बात में बीमार हो जाते हैं। कोई ना कोई उनके घर में अक्सर बीमार बना ही रहता है, और लगातार उनका पैसा एक मोटी कमाई मारियों में खर्च होती रहती है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, वैसे रुपए उनके पास खाने भरकर ही होते हैं, लेकिन किसी भी मौसम में कभी भी उनके यहां कोई बीमार ही नहीं होता है। यहां तक कि उनके पास पूरे संसाधन भी नहीं होते, सर्दियों में अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, गर्मियों में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था भी नहीं होती है, तब भी ना तो वह कभी बीमार होते हैं, ना ही उनके घर में किसी प्रकार का कोई प्लेस होता है। और देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे इनके घर में, इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, क्योंकि दोस्तों, उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। चाहे भले ही उनके जीवन में उपलब्धियां कम को, धन दौलत कम हो, रुपए पैसे ना हो, लेकिन उनके पास ईश्वर की कृपा है जो कि उनकी हाल है, उनकी रक्षक है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, लोग करोड़ों रुपए कमाकर भी लगातार बीमारियों से परेशान हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं, और जीवन में कष्ट ही कष्ट भोंकते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भगवान की यदि कृपा आपके जीवन में आ गई, तो आपका जीवन निश्चित घर पर सुखी हो जाएगा, निश्चित तौर पर बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे, और कोई भी काली क्रिया हो, नजर को टोना टोटका हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं करेगी। तो निश्चित तौर पर आप यही एक नियम बनाइए, चाहिए एक बार महीने में आप कराएं, लेकिन हवन अपने घर में अवश्य कराएं, ये बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, हवन करने से दैवीय शक्तियां केंद्रित होती हैं और आपके घर में घनीभूत होगी, यानी कि आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां हवन का धुआं फैलता है, वहां से हर एक प्रकार के रोग के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं और उस जगह पर दिव्य ऊर्जा फैल जाती है। तो दूर दूर आप यह नियम अवश्य बनाई है, चाहे किसी भी देवी देवता का करिए, लेकिन महीने में कम से कम एक बार अवश्य किया करिए। ये दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है। प्राचीन काल में हिंदू घरों में निश्चित तौर पर हवन का आयोजन होता था, चाहे सत्यनारायण की कथा ही क्यों ना हो, लेकिन होती अवश्य थी। दोस्तों, आजकल लोग भाग दौड़ भरी जीवन में यह सब कुछ भूल चुके हैं, जितना जीवन को आसान बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उतना ही जीवन और नर्क के समान चलता जा रहा है, परेशानी से बढ़ता जा रहा है। तो आपको समझदारी भरा कदम उठाना है, ईश्वर से बिल्कुल बेफिक्र होकर एक बार में जुड़ जाना है, फिर कभी ईश्वर को भूलना नहीं, सब कुछ ईश्वर के नाम से करिए। हर एक चीज जो आपके जीवन में है, चाहे आप सुबह सोकर जगह, चाहे आप रात को सोनी, चाहे इस बीच में, सब कुछ जो आप करें ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, और ईश्वर से कहिए कि सब कुछ हमें आपकी पूजा समझकर आपको दे दिया है।
अब आपका मन है जो आपको देना है। दो ना देना हो ना तो आपकी इच्छा है। अब आपकी जो राशि बोलती है, आपकी ग्रहों की चाल जो कहती है, उसके अनुसार अगले 3 दिनों में माता अन्नपूर्णा की आपके ऊपर विशेष कृपा होने वाली है। आपके घर में किसी भी प्रकार के रोग दोष हो, सबका निवारण हो जाएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार का फल है, प्लीज यह नकारात्मक ऊर्जा और निश्चित तौर पर बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको करना यही होगा कि अपने घर का जो रसोई घर है उसे पूर्ण रूप से ऊर्जावान बनाना होगा, उसे शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भरना होगा। तो आप यह करें कि शाम के समय अपने घर की किचन में एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा लोबान अवश्य जलाएं। यह दोस्तों, यह कार्य आप अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार करते रहे। साथ ही साथ बर्तन जो पानी का है, जहां आप पानी पीने के लिए रखे हैं, उस बर्तन के ऊपर एक कटोरी में थोड़े से गेहूं रख लें और उस गेहूं के ऊपर आप एक दीपक, मिट्टी का दीपक रखें गाय के लिए से, और उसे जलाएं। शाम के समय जलाएं, गोधूल के समय चलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जो घर की रसोई है वह बेहद ही पवित्र हो जाएगी। जो भोजन उस रसोई में बनेगा वह सारे घर को निरोगी बनाएगा, वह भी बीमार नहीं होगा। धन संपदा आपके घर में बसने लगेगी। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने बताइए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब शकुन शास्त्र के अनुसार अब शगुन ही बातें कौन सी होती हैं, यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठी तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, जय माता अन्नपूर्णा कृपा करो अवश्य लिखें। मां भद्रकाली और माता अन्नपूर्णा आपको आशीर्वाद देंगे और आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। सभी साथ वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करने में दोस्तों बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, आपका भाव ही आपका जीवन सुंदर बनाया। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।